ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा 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 खबर। नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर। आलीशान होटल में चल रहे जुए के फड़ का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। होटल में दबिश देकर दर्जन भर से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई प्रॉपर्टी डीलर व व्यापारी शामिल हैं। इनके कब्जे से नकदी बरामद हुई है। सिविल लाइन थाने के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित AKS होटल में जुए का फड़ संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने CSP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन व चौरहट्टा थाने की पुलिस टीम गठित की। टीम ने होटल में दबिश दी तो जुए का फड़ चल रहा था। अंदर का नजारा देखकर खुद पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। जुए के फड़ में व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर सहित कई लोग दांव बैठे हुए थे। पुलिस ने कमरे से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई है। उनके कब्जे से 1,77,000 रुपए बरामद हुए हैं। करीब आधा दर्जन के लगभग वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं, जो जुआरियों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जुए के लिए होटल उपलब्ध कराने वाले मालिक आशीष सिंह व मैनेजर के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया है। होटल में काफी समय से जुए का फड़ चल रहा था। फड़ का संचालन किसके इशारे पर हो रहा था, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में जुआ चल रहा है, जिसमें मौके पर जाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम, साथ ही चौराटा की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 13 लोगों को पकड़ा गया है। और ये होटल ट्रांसपोर्ट नगर में AKS होटल है, जिसमें होटल के मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जुए में 1,77,835 रुपए बरामद हुए हैं। AKS होटल ट्रांसपोर्ट नगर। क्या कार्रवाई इनमें कार्रवाई की जा रही है जुआ के लिए स्थान उपलब्ध कराने में, जिसमें होटल मालिक और होटल मैनेजर को आरोपी बनाया जा रहा है। अब इसमें आगे जांच का विषय है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा।